Hello students, how are you all? Today we will start a new topic that's name is PCR. The full form of PCR is polymerase chain reaction technique. Okay, this polymerase chain reaction technique is used to make billion copies of molecules like DNA, RNA and protein by the help of single parental molecule of DNA, RNA and protein. Simple sa iske definition ye beta ki by the help of this technique, by the help of PCR, एक जो सिंगल पेरेंटल मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है, उसकी हेल्प से बिलियन कॉपीज बनाई जा सकती हैं, ओके, थ्रू पीसीआर टेक्निक. ओके, दिस पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड इन फोरेंसिक लैब और इन मेडिकल फील्ड. ठीक है, फोरेंसिक लैब में किस तरह काम में आती है ये कि जैसे कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और वहां पहुंच गए सीआईडी वाले को क्या मिल गया, ब्लड सैंपल मिला है वहां पर सबूत के तौर पे. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट है वो क्या करेंगे, पहले तो फोरेंसिक लैब के अंदर बेटा आइसोलेट करेंगे वो डीएनए को, ठीक है, उस ब्लड सैंपल से. फिर बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक दे विल मेक बिलियन कॉपीज ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल, कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से बिलियन कॉपीज बना दी उन्होंने. ठीक है, किस टेक्निक्स की हेल्प से, पीसीआर टेक्निक की हेल्प से. ठीक है, और मेडिकल फील्ड में इसका यूज क्या है बेटा, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज. PCR technique is used for amplification of nucleic acids of pathogens. ठीक है, कि जो pathogens body में enter होता है to cause disease, ठीक है, उस pathogens के जो nucleic acids हैं like DNA और RNA, उनको amplified करके हम पता लगा सकते हैं डिजीज के बारे में. ठीक है, लेकिन उनको amplified हम किससे करेंगे, PCR technique से. ठीक है, अब सबसे पहले बेटा क्या था, इन 1984 कैरी मुलिस नेम्ड साइंटिस्ट इन्वेंटेड पीसीआर टेक्निक फॉर मेकिंग बिलियन कॉपीज ऑफ मॉलिक्यूल्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ सिंगल पेरेंटल मॉलिक्यूल. ठीक है, देयर आर थ्री स्टेप्स इन पीसीआर टेक्निक बाय विच वी कैन मेक बिलियन कॉपीज फ्रॉम ए सिंगल पेरेंटल मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर वो तीन स्टेप्स नहीं है पीसीआर के अंदर, ठीक है, तो फिर जो बिलियन कॉपीज बनने की बात बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, वो बिलियन कॉपीज नहीं बन पाएंगे. ठीक है, अब वो थ्री जो प्रोसेस है वो कौन से हैं बेटा, उनको आप देख लीजिए. फर्स्ट तो है डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनिलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट डीनेचुरेशन. ठीक है, कि क्या होता है डीनेचुरेशन में. डीनेचुरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग ऑफ डीएनए. ये क्या कहलाता है बेटा, मेल्टिंग ऑफ डीएनए. And this denaturation process take place at very high temperature, about 90 to 95 degree centigrade for 45 second. ठीक है, मैंने बताया था आपको एक बार कि दो प्रोसेस होते हैं इन केस ऑफ डीएनए, denaturation एंड renaturation. At very low temperature, DNA fragments join with each other. It is called renaturation. But at very high temperature, these two strands of DNA separate from each other. आपको पता है कि जो दो DNA के strands होते हैं, 3' to 5', 5' to 3', ठीक है, इन दोनों strands के पास nitrogen bases होते हैं. ठीक है, और जो nitrogen bases होते हैं, they link with each other by the help of hydrogen bond. ठीक है, chapter 6 के अंदर बताया था आपको मैंने कि adenine always bind with thymine by the help of double hydrogen bonds, cytosine always binds with guanine by the help of triple hydrogen bonds. ठीक है, अभी hydrogen bond से क्या इनको एक सपोर्ट मिल रही है दोनों स्टैंड को. ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटा, एट वेरी हाई टेम्परेचर वन प्रोसेस टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, एंड ड्यूरिंग डीनेचुरेशन डीएनए मेल्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. ठीक है, उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाएंगे बेटा, टूट जाएंगे. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक, एंड ड्यूरिंग दिस टू स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अब जब ऐसा हुआ तो ये दोनों स्टैंड क्या हो गए बेटा, आपस में
अलग अलग हो गए जी, बिछड़ गए एक दूसरे, 3' टू 5' और 5' टू 3'। ठीक है, इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। ठीक है, अब ये इनको अलग करना जरूरी है, क्योंकि देखो एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल था ये वाला, एक पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसी से ही डीएनए कॉपीज किस तरह बनेंगी डीएनए मॉलिक्यूल्स की, वही तो हमें जानना है। ठीक है, तो इन डीएनए स्ट्रैंड्स का अलग होना जरूरी था, तभी तो ये बना पाएंगे और डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेटा क्या है, डीनेचुरेशन। ठीक है, अब डीनेचुरेशन के पास के बाद एक प्रोसेस चलता है दूसरा, उसका नाम है एनिलिंग। ठीक है, बताया था अभी आपको मैंने, व्हाट द नेम ऑफ दिस प्रोसेस, नंबर सेकंड स्टेप है ये ना पीसीआर की, इट इज कॉल्ड एनिलिंग। एनिलिंग इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स जो होते हैं बेटा, ये क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड दैट कंसिस्ट 2 to 18 नाइट्रोजन बेस, एक छोटा टुकड़ा होता है न्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, अब जो एनिलिंग प्रोसेस है बेटा वो होता है 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, और 45 मिनट्स होता है ये भी। ठीक है, नॉट 45 मिनट्स, ये होता है, हाँ 45 मिनट्स तक होगा ये। ठीक है, 45 सेकंड तक, सेंटीग्रेड नहीं, 45 सेकंड्स तक। ठीक है, और इसमें बताया भी आपको मैंने, एनिलिंग में क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, कि जो प्राइमर्स हैं वो 3' पर आकर जुड़ जाते हैं, जैसे दो स्ट्रैंड्स अलग हुए थे ना डीएनए के, 3' टू 5', 5' टू 3'। ठीक है, तो एक आने प्राइमर्स तो यहां के जुड़ गया जस्ट नियर टू 3' एंड्स, एक आकर यहां जुड़ जाएगा, पॉलिटी क्या होगी 5', और यहां क्या होगा 3' टू 5', और ये 5' टू 3'। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, क्योंकि देखो इसके पास है ना जो ये प्राइमर है, इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बेसिस होते हैं, किसके लिए, इस स्टैंड्स के लिए। ठीक है, तब उनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है। देखो पीसीआर टेक्निक जो है ना, दिस पीसीआर टेक्निक टेक्स प्लेस इन अ मशीन। ठीक है, और मशीन में छोटे छोटे ट्यूब्स रखी जाती है बेटा, उन ट्यूब्स में कल्चर होता है, उसी कल्चर के अंदर डीएनए भी है, प्राइमर्स भी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप उस चीज को, उसमें फिर इसके बाद डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं और कुछ एंजाइम्स भी हैं जो हेल्प करेंगे पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन मल्टीपल कॉपीज बनती है डीएनए की, बट यू शुड नो दैट रेप्लिकेशन प्रोसेस इज नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, और नाम है उस एंजाइम का टैक डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना बेटा, ये चल रहा है एट वेरी हाई टेम्परेचर, समझ रहे हैं आप उस चीज को, और हाई टेम्परेचर में उस एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पर काम कर सके, तो वो एंजाइम हमने बाहर निकाला एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से, बताऊंगा अभी आपको मैं कौन सा वो बैक्टीरिया, उससे क्या हुआ। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एनिलिंग में क्या हो गया, प्राइमर्स जुड़ गया आगे। ठीक है, अब नंबर थर्ड चलेगा प्रोसेस, उसका नाम है एक्सटेंशन इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये दो दिन के स्टैंड थे बेटा, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम, 5' टू 3', और ये कौन जुड़ गया था आगे, यहां पर प्राइमर्स आगे जुड़ गया था 5', और ये हो गया जी। ठीक है, अब पूरा समझ लेना बाद में अभी। अब देखो मैंने बताया था आपको कि एक एंजाइम होता है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम को बाहर निकाला बेटा अपन ने किससे, एक बैक्टीरिया से, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से,
उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि यही जो बैक्टीरिया है बेटा ये बर्दाश्त कर सकता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी। उन्होंने बताया भी आपको कि जो पीसीआर पूरा जो पीसीआर के जो स्टेप्स है दे टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है समझे। तो इस एंजाइम्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये एंजाइम्स बेटा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा ड्यूरिंग एक्सटेंशन प्रोसेस, ठीक है। अब ये जब जुड़ गया ना, और हमको बताया आपको कि इस पीसीआर मशीन के अंदर जो ट्यूब्स थी उस ट्यूब से हमने क्या ऐड करा रखा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एंजाइम ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए। पॉलीमराइजेशन क्या है यहाँ पर, कि मैंने यूनिट्स बनाना, मैंने कॉपीज बनाना डीएनए की, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ा यहाँ पर, डीएनए नहीं इसको बोलेंगे टाक या टैक, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि जो टी है बेटा ये तो आ रहा है जीनस से टी, ठीक है, इस जीनस से थर्मस से, और ए क्यू किससे आ रहा है स्पीसीज से, तो बोल दिया तो टाक डीएनए पॉलीमरेज। और जैसे ही टाक डीएनए पॉलीमरेज आके यहाँ जुड़ जाएगा, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उस ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, उस कल्चर के अंदर, वो अब आगे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये यूं चलेंगे आगे और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ना ये शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन ये जितने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इस स्टैंड के, अगर यहाँ टी, अगर यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा टी, सी है तो जी, जी है तो सी, सी है तो टी, ठीक है। और ये बन जाएगा बेटा एक कम्प्लीट डीएनए मॉलिक्यूल, 5' 3', 3' 5', 3' 5' और 5' 3'। अब ये बन गया बेटा, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। ये एक साइकिल की तीन स्टेप्स थी जो बताई अभी आपको मैंने, डिनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग ऑफ प्राइमर्स यानी कि ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स, और तीसरा एक्सटेंशन यानी कि पॉलीमराइजेशन दैट टेक्स प्लेस एट 72-75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 2 मिनट्स, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ टैक डीएनए पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बताया ना अभी आपको मैंने कि जब ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर्स में, जब प्राइमर्स आके जुड़ते हैं एट 3' एंड, ठीक है, उसके बाद जब चलेगा पॉलीमराइजेशन यानी कि एक्सटेंशन प्रोसेस, तब वहां पर क्या जुड़ जाएगा आगे, टैक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब यही टैग डीएनए पॉलीमरेज जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, उनको ऐड करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, किसी कॉम्प्लीमेंट्री, जो नाइट्रोजन बेस यहाँ पर प्रेजेंट है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स के पास, ठीक है, और एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल में 3 स्टेप्स थी, डिनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। अब अगर ये 30 साइकिल्स होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दीज 30 साइकिल्स, ओके, डीएनए मॉलिक्यूल इज एम्पलीफाइड टू फॉर्म 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। ये तो बात थी एक साइकिल की, हम बोलोगे कि 30 साइकिल अगर चलती हैं इस तरह से, ठीक है, तो डीएनए मॉलिक्यूल इज एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड मीन्स बढ़ना, ठीक है, फैलना, डीएनए मॉलिक्यूल इज एम्पलीफाइड टू फॉर्म 1 बिलियन कॉपीज, ओके। ये था हमारा पीसीआर टेक्निक That is used to make billion copies from a single molecule of DNA, ठीक है, क्योंकि हम DNA का example दिया आपको मैंने कि एक DNA molecule से हम billion copies बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई जो 3 steps बताई है denaturation में अंदर क्या होगा, फिर जो annealing of primers है, ठीक है, उसमें क्या होगा joining of primers के अंदर, तीसरा extension है उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। और बताया मैंने आपको इस बैक्टीरिया का जरूर ध्यान रखना थर्मस एक्वेटिकस का, क्योंकि इसी से हमने बाहर निकाला है टैग डीएनए पॉलीमरेज। और भी काफी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज में लेते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन पीसीआर टेक्निक। जैसे एक है बेटा ये वेंट लिटोरिस, तो इससे बाहर निकाला अपन ने कौन सा एंजाइम, वेंट पॉलीमरेज। एक है बैसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस, इससे बाहर निकाला है बीएसटी पॉलीमरेज।
एक है पायरोकोकस फ्यूजियोसस, इससे निकला है पी एफ यू पॉलीमरेज। क्योंकि जितने भी एंजाइम्स के नाम आ रहे हैं ना बेटा, ये डिपेंड करते हैं जीनस नेम और स्पीसीज के नेम में। जैसे जीनस यहाँ क्या वेंट है, ठीक है, और लिटोरिस आ गया, ठीक है, वेंट पॉलीमरेज निकलेगा, ठीक है, इसमें नाम नहीं है। लेकिन बैसलस है ना, बैसलस, इससे बी आ गया और स्टेरियो से एसटी आ गया, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और पैरोकोकस फ्यूजियोस, जैसा पी जीनस आ गया और एफ यू क्या स्पीसीज आ गया, ठीक है, इसको छोड़कर ये सारे जो दो है ना, ये बताए जो भी आपको मैंने, ये डिपेंड करता है जीनस और स्पीसीज के नेम पे, ठीक है। ये पीसीआर टेक्निक थी। अब इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट बायोरिएक्टर टेक्निक्स, कि हम कैसे होस्ट सेल से होस्ट सेल्स को ग्रो करवा के यूजफुल प्रोडक्ट्स को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। ओके, थैंक यू।